नीतीश कुमार एक बार फिर संभालेंगे जेडीयू की कमान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भरी है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही ललन सिंह ने दिया था इस्तीफा। ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से अध्यक्ष पद स्वीकार करने की गुजारिश। विपक्ष को लेकर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य का, विपक्ष को बनना चाहिए भगवान राम का भक्त। इस बार विपक्ष की नैया डूबी तो कभी पार नहीं लगेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा विभिन्न समुदाय वाले देश में हम सबका धर्म एक समान, यही मानवता है और यही सनातन धर्म। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में स्वच्छता अभियान में खुद जुटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, झाड़ू उठाकर सड़क पर की साफ सफाई। कल के कार्यक्रम को लेकर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी, कहा कल एयरपोर्ट के उद्घाटन समेत कई करोड़ों की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी, कहा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को मिलेंगी सारी सुविधाएं। अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या धाम किए जाने से चिढ़ गए हैं एसपी सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, कहा नाम बदलने से लोगों के इरादे नहीं बदलेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ट्वीट, लिखा समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, राम मंदिर का उद्घाटन कर मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की तरह पेश कर सकती है बीजेपी। दिल्ली के बद्रीनाथ मंदिर में रामकथा का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस में तनातनी, उद्धव ठाकरे को पार्टी ने 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। संजय राउत ने कहा हम जीती हुई सीट पर नहीं करेंगे बात, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी सबसे बड़ी है जबकि कांग्रेस को जीरो से शुरुआत करनी होगी। कांग्रेस बोली दो टुकड़ों में बंट गई है शिवसेना, इसीलिए इतनी सीटों का दावा गलत, संजय राउत का पलटवार, चुनाव हारी है कांग्रेस तो जमीनी सच को समझे। सीट शेयरिंग पर उद्धव गुट और कांग्रेस में तनातनी पर बीजेपी ने तंज कसा, राम कदम ने कहा उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने औकात बताते हुए 23 सीट देने से इनकार किया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा एनडी गठबंधन में जल्द सीट शेयरिंग को लेकर बनेगी रणनीति, नीतीश कुमार को बताया गठबंधन का निर्माता और जन जन का नेता। ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा आप आज हैं कल शायद नहीं रहेंगे इसलिए इतना अहंकार ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का किया शिलान्यास, साथ हेल्थ लैब का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, प्रदेश में मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा हुई। गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी कांग्रेस, जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगी औपचारिक बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जनवरी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है, भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। गांधीनगर में गुजरात प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। नए साल पर देशवासियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपए प्रति लीटर तक कम किए जा सकते हैं। लुधियाना में एनआरआई विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम भगवंत मान की बैठक, पंजाब के लोगों के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगा हेल्थ सेंटर।